अब तक आपने देखा पार्क में सार्थक अंजलि से बहुत बुरा बर्ताव करता है जिससे अंजलि को बुरा लगता है। सार्थक और अंजलि को एक साथ देखकर चंद्रप्रभा को लगता है कि ये बच्चा सार्थक का है। चंद्रप्रभा नंदिनी को बताती है कि अंजलि के पेट में पलने वाला बच्चा आदि का नहीं है। आदि अंजलि को बताता है कि उसको पता चल गया है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, पर अंजलि उसे बोलती है ये बच्चा सार्थक का है। रानी घर में सबको जल्दी सुला देती है और खुद आधी रात उठकर कहीं चली जाती है। अजय रानी को घर से जाते हुए देख लेता है। अब आगे अरे नंदिनी, तुम भी बैठ जाओ, सुबह से काम कर रही हो। थैंक गॉड, फाइनली मुझ पे तरस आ गया इन्हें। अरे अरे जरा वो फ्रिज में सैलेड है ना, वो ले दिया। काव्या बेटा, तू कुछ खा क्यों नहीं रही है? देख कितनी कमजोर हो गई है, चेहरा भी पीला हो गया है। दादी, खा तो रही हूं। बैठ जाओ। नंदिनी बेटा, तुम किचन से जाकर शैंपेन ग्लासेस लेकर आओ। आज मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूं। ओ गॉड, ये एक और आ गए। जल्दी बता बेटा, जल्दी बता ना। इस घर को खुशखबरी का कब से इंतजार है? हाँ माँ, बताता हूँ। और एक नहीं, तीन तीन खुशखबरियां हैं, तीन तीन। सबसे पहली खुशखबरी तो ये है कि वानी अब एकदम ठीक है। और दूसरी खुशखबरी ये है कि मैं दादा बनने वाला हूं। तीसरी और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है मां कि मैंने अभी अभी एक डील क्रैक की है जिसमें मुझे करोड़ों का फायदा होने वाला है मां, करोड़ों का। अरे बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तभी आज शैंपेन खुलेगी मां, क्योंकि बहुत दिनों के बाद अग्निहोत्री फैमिली में गुड न्यूज की एंट्री हुई है। मां और अंजलि, आप दोनों के लिए नहीं है। लेकिन आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। प्रकाश, मुंह कड़वा करवाने से तो अच्छा था कुछ मीठा ही ले आता, रसमलाई जैसा। You're all in celebration mood. आदि, so cheers to real Agnihotri family. काव्या, मुझे वो ग्लास पास करना। हाँ।
I'm so sorry. No, it's okay, भाभी. कोई बात नहीं काव्या, कोई बात. There's more in it. नहीं नहीं डैड, वैसे भी मुझे शैंपेन पसंद नहीं है. It's okay. भाभी, ग्लास. काव्या अकेले नहीं गई थी, इनफैक्ट मैं ही उसे अपने साथ लेकर गई थी हॉस्पिटल. माँ, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, या शायद गलती से डॉक्टर ने मेरी जगह काव्या का नाम ले लिया. लगता है आदि को सब समझ आ गया. आदि बेटा, दादी मैं देखती हूँ. रुक अंजलि, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ. माँ जी, अंजलि जा रही है, आप बैठिए, खाना खा लीजिए. हाँ, वो सुबह से आदि को हेडेक भी था, तो एक बार मैं जाकर. आदि, काव्या के लिए प्लीज अभी चुप रहना. आदि, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो. क्या समझूं मैं? अब इसमें और क्या समझना बाकी है? मेरी बहन प्रेग, वो बिना शादी के मां. नाम, नाम क्या है उस आदमी का? अविनाश. वो मेरी और सा, आई मीन हमारी शादी में फोटोग्राफर था. काव्या उसे पहले से जानती थी, पर तब काव्या को लगता था कि वो उससे सच्चा प्यार करता है, लेकिन उसने उसे यूज किया. यू नो, उसने काव्या का MMS भी बनाया है. और दिन रात उसे ब्लैकमेल करता रहता है. मुझे तो समझ में ही नहीं आता आदि कि मैं क्या करूं. यहाँ पे घर पे ये सब हो रहा है, और वहां पे डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि उसका एबॉर्शन नहीं हो सकता. काव्या, काव्या, क्या कर दिया तूने? मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं. I swear I'll kill that man. नहीं आदि, आदि, हटो ना सर. नो आदि, हटो. नहीं आदि, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती. आदि, I'm sorry. से तो मैं बाद में बात करूंगा काव्या, पहले मुझे उस अविनाश की जान लेनी है. हट जा रास्ते से काव्या, हट. आदि, ये इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है. हमने बहुत सोचा. क्वाइट. देख लिया मैंने तुमने क्या सोचा है. सलूशन की बात करती, ये सलूशन निकाला तुम दोनों ने. हाँ, अपनी प्रेगनेंसी की झूठी खबर देकर तुमने मेरे घर वालों को झूठी उम्मीदें दी है.
मॉम की तबीयत देखिए, देखिए उनकी हालत। अब जरा सोचो उन पे क्या बीतेगी जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा, क्या गुजरेगी उन पर जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी उनकी बहू प्रेग्नेंट नहीं है, उनकी बेटी मां। आदि मेरी बात सुन, आउट ऑफ इट बोथ ऑफ यू, जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। अब इस सिचुएशन को मैं अपने हिसाब से हैंडल करूंगा। अविनाश की तो खैर नहीं, I'm going to kill him. आदि नहीं बात, लीव मी अंजलि, अंजलि लीव मी, काव्या अंजलि लीव मी, लीव मी अंजलि, काव्या तुम जाओ दरवाजा लॉक कर, अंजलि लीव मी, अंजलि आदि मेरी बात नहीं, आदि मैं तुम्हें नहीं जाने दे। रानी कहाँ हो तुम, सब ठीक तो है ना? इतनी रात इतनी देर तक रानी चुपचाप कहाँ जा सकती है? मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा। I can't believe this, Anjali. काव्या, out of all people, इतनी पढ़ी लिखी लड़की, इतनी समझदार लड़की, वो कैसे उस घटिया आदमी की बातों में आ गई? How can she fall for him? आदि, वो उस वक्त प्यार में थी और उस लड़के ने उसे इंप्रेशन दिया था ना कि वो उससे प्यार करता है। इंप्रेशन देने से क्या होता है अंजलि, उसके पास खुद का दिमाग नहीं है क्या? कहाँ गई काव्या की अकल, इतनी समझ नहीं है उसमें? आदि, वो उस वक्त प्यार में थी और प्यार में कुछ सही गलत नहीं होता। अगर सही गलत होता तो प्यार में पागलपन क्यों होता? तुम्हें याद है तुमने भी तो प्यार में बेवकूफियां की थी ना, याद है ना कॉलेज की छत से कूदने लगे थे, तब कहाँ थी तुम्हारी अकल? मतलब भगवान मेरी गलती की सजा काव्या को दे रहा। मैं ना अच्छा बेटा बन पाया, ना अच्छा पति बन पाया और ना ही अच्छा भाई बन पाया। शायद इसी बात का बदला भगवान मेरी बहन से ले रहा। सॉरी अंजलि, मैं बेकार ही तुम पर चिल्लाया। तुमने तो काव्या की इतनी मदद की और मैं तुम्हीं पर। काव्या बीना, अगर हम सब के होते हुए तुमसे हेल्प मांगने गई है तो इसका एक ही मतलब है कि कहीं ना कहीं हम सब एज अ फैमिली फेल हुए उसकी नजरों में। जब से मां गई है तब से ये घर घर नहीं है, ये परिवार बिखर गया है, सब खत्म हो गया, कुछ भी पहले जैसा नहीं। Really sorry अंजलि, मैं तुमसे माफी मांगता हूं, मैंने बहुत गलतियां की हैं, तुम्हारे साथ भी कितना गलत किया मैंने, शायद इसी बात की सजा भगवान मेरी। Oh
कैसे अपने ही घर में चोरी छुपे आना पड़ रहा है, पर अब कोई चारा भी नहीं। ये पक्का रात को उठकर मुझे ढूंढ रहे होंगे। कान्हा जी, ये पैसे कहां से आए आपको सब पता है, पर ये बात मैं घर में किसी को नहीं बताऊंगी, वरना सबको बहुत बुरा लगेगा, और सबसे ज्यादा तो इन्हें। सब संभाल लेना कान्हा जी। आदि आओ। आदि आई एम सॉरी, आई नो मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर देख तू मुझे पनिश करने पर ऐसे नाराज मत रह, मुझसे बात कर, मैं ऑलरेडी इतना परेशान चल रही हूं कि मुझे कुछ मैं बहुत गुस्से में था। गलती तेरी नहीं, गलती उस घटिया आदमी की जिसने प्यार में तेरे साथ धोखा किया है। पर तू फिक्र मत कर, तेरा भाई तेरे साथ है। तेरे साथ हूं, तुझसे नाराज नहीं हूं, लेकिन मेरी एक शर्त, अब तू मुझे रोकेगी नहीं, मैं उस आदमी को सबक सिखाऊंगा। आदि प्लीज ऐसे नहीं। अंजलि प्लीज एक बार मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, एक आखिरी बार। आदि आदि क्या संभालने की बात हो रही है, कुछ मुझे बताओ, मैं भी मदद करूं। नहीं जी, वो तो मैं कान्हा जी से कह रही थी कि मुश्किल दिनों में बस संभाल लेना, यही कह रही थी मैं बस। आप यहाँ कुर्सी पे क्यों सो रहे थे जी? अरे वो रात को नींद नहीं आ रही थी मुझे, तो कुर्सी पे बैठ गया तो वहीं नींद आ गई। तुम कहीं बाहर से आ रही हो? नहीं नहीं हाँ, मतलब बाहर से, मतलब यही तो गई थी, वो मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी, सेहत बनाने के लिए। अच्छा अभी सुबह सुबह? मॉर्निंग वॉक तो सुबह सुबह ही होती है ना, तड़के तड़के सब मेरे जैसे तगड़े लोग जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे। आप मुँह हाथ धो लीजिए, मैं चाय चढ़ाती हूँ। रानी मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? मैंने देर रात उसे खुद बाहर जाकर देखा है, फिर ये झूठ क्यों?